पानीपत की पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया पर गिरी गाज। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की शिकायत पर हुआ तबादला। आईआरबी कमांडेंट के तौर पर करेगी काम। तीन बार कष्ट निवारण समिति की बैठक में उपस्थित न होने पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री को शिकायत की, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस अधीक्षक का तबादला हुआ। पुलिस अधीक्षक के तबादले पर आम जनता की मिलीजुली राय है। अभी तो वो शहर में आए थे तो 3 महीने का समय बड़ा कम होता है। मैं नहीं समझता अभी इस बारे में क्या कहा जाए, ट्रांसफ़र ठीक है या गलत है। तो क्योंकि अभी उनकी कोई कार्यशैली के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था, अभी कोई जानकारी नहीं है। तो प्रशासनिक वो है, उसमें जो वो ठीक समझे करें जी, सरकार का काम है। ना ये मैं ऐसे कहूँ अनुचित, मुझे जानकारी में भी नहीं है किन कारणों से हुआ किन कारणों से नहीं हुआ। सरकारी कार्य है, लेकिन अभी ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा ऐसा कुछ भी उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 2-3 महीने का समय किसी को जज करना मैं उचित नहीं समझता। ये देखो जी, इस कारण मैं तो कुछ कह सकता भाई राजनीतिकरण क्या था, पर यह था कि वो कार्य करने वाली थी, मिलने वाली थी। हर एक का जैसे भी अपराध में कुछ कमी उम्मीद है कि आई थी, और जो उनका ट्रांसफर हुआ है वो अब क्या कारण हो सकते हैं उसका मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, बस यही है मेरा। कार्यक्रम उनका ठीक था, जैसे और एसपी ने किया या पीछे हुए हैं, कार्यक्रम उनका ठीक चल रहा था। और एकदम मैंने अभी मेरे को अभी मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप से मैंने देखा कि उनका ट्रांसफर हुआ, इस बारे में मुझे अभी पता चला है। सर ये देखो ऊपर के जो लोग बैठे हैं, फिर उन मुख्यमंत्री जी और जो भी हैं उच्च अधिकारी, हो सकता है उनको कमी उनमें काम में कोई कमी नजर आई हो, इस वजह से हुआ। ऑफिशियल कोई कॉल नहीं है, हमारी कोई मीटिंग नहीं है, तो मैं डेफिनेटली उसको अटेंड करूंगी। और अगर कोई कारण जिस तरीके से हो जाते हैं, अगर कोई चंडीगढ़ में मीटिंग है या इससे भी कोई ज्यादा जरूरी बात है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसपी रैंक में ही, अगर मैं छुट्टी पे थी पिछली बार तो एसपी करनाल यहाँ पर थे, और हमारे जिले में भी ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन में कोई कमी रही हो किसी तरीके से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ जिले में और अटेंड नहीं करूँगी, ऐसा कुछ। शहर के बीचों बीच बने फ्लाईओवर के नीचे जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई वाहन पार्किंग शहरवासियों के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। 2 दिन पहले ही इस पार्किंग को ठेकेदार को दिया था। प्रशासन द्वारा ठेकेदार को निर्धारित किए गए शुल्क से अधिक लेने पर शहर के सभी मार्केट के प्रधानों ने ठेकेदारों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था, और आज सर्व संगठन द्वारा एक मीटिंग कर इसका विरोध किया गया, और कल सभी बाजारों के प्रधान पानीपत उपायुक्त से मिलकर इस समस्या की शिकायत करेंगे। ये पार्किंग में जो कल से ही शुरू हुई है उसमें नजायज वसूली के बारे में थी, जो डबल ट्रिपल पैसे लिए जा रहे हैं, वो जो एक एग्रीमेंट है प्रशासन के साथ ठेकेदार का, उस एग्रीमेंट का उल्लंघन है, दुनिया भर की अनियमितताएं हैं और एक धोखाधड़ी है प्रशासन के साथ भी, लोगों के साथ भी। आपको अगर 10 रुपये 12 घंटे का कहा गया, आप 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये ले रहे हो, तो एक ये धोखाधड़ी का मामला बनता है। इस मामले में कल डीसी महोदय से भी हम सारे प्रधान मिलने जा रहे हैं, पुलिस में भी कंप्लेंट की है, एसएचओ साहब आपके सामने आए हुए हैं, वो प्रयास करेंगे कि वो ठेका रद्द हो और इस तरह की अनियमितताएं भविष्य में ना हो, ऐसा हमारा संयुक्त व्यापार मंडल का प्रयास है। आज संयुक्त व्यापार मंडल के जो सभी प्रधान हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए थे कि जिस तरह पार्किंग के लिए कल झगड़ा हुआ, पार्किंग की ठेकेदारी के ऊपर जो झगड़ा हुआ, हम पानीपत जो वासी हैं वो पहले तो जब तक ये पुल नहीं बना था इस पुल की मिट्टी सभी पानीपत वासियों ने खाई, उसके बाद जो टूल टैक्स लगा वो भी पानीपत वालों के लिए लगा, आज तक कोई भी एमपी एमएलए इसके बारे में नहीं छुड़वा पाए। पानीपत के ऊपर ये बोझ जो टूल टैक्स का है वो टूल टैक्स का ऐसे ही रह गया। अब उसके बाद जो पार्किंग का बोझ पानीपत के ऊपर दिया, हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, पैसा लगा, चीज़ लगी, सफाई हुई, पार्किंग के लिए जोन बनाया गया, लेकिन जो रेट पार्किंग का सरकार ने तय किया उस रेट से डबल पैसा लेना, दुगने पैसे लेना, कई गुना पैसा लेना, घंटों के हिसाब से पैसा लेना, और उसके बाद अगर कोई बात करता है तो उसको माँ बहनों की गाली देना, मीडिया वाले आए तो मीडिया वालों को माँ बहनों की गाली देना, ऐसी गुंडागर्दी हम नहीं सहन होने देंगे और नहीं करने देंगे किसी को भी। और इसी मुद्दे के ऊपर आज संयुक्त व्यापार मंडल के सभी प्रधान यहाँ इकट्ठे हुए थे, एसएचओ साहब हमारे यहाँ यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने कल 12 बजे तक इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जिस तरह उनका 12 बजे तक जो भी फैसला आता है, अगर वो इसके वो कहते उनके हिसाब से जो है वो चार्जशीट दाखिल करेंगे,
अगर वो दाखिल नहीं करते तो उसके बाद हम फिर मीटिंग करके अगली रणनीति बनाएंगे। आप देख ही रहे हैं यहाँ माहौल, आप देख ही रहे हैं सारे शहर के प्रधान, हमारे 41 प्रधान इकट्ठे हुए हुए हैं। जो कल की गुंडई हुई थी यहाँ शहर में, जो कल पुल के नीचे इन्होंने ठेका, पहला ही दिन था इन्होंने ठेके में मतलब इतनी गुंडई कर दी थी, आगे क्या करेंगे ये। तो इससे पहले भी एक ठेका दिया हुआ है पानीपत वाला प्रशासन ने पालिका बाजार में, वहाँ हर रोज़ झगड़े होते हैं और 20 बार हम वहाँ ठेका रद्द करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने उसकी ओर कोई भी तवज्जो नहीं दी। और हम चाहते हैं पहले दिन ही इतनी बात हो गई है कि जल्द से जल्द ये ठेका रद्द होना चाहिए, हमारी प्रशासन से मांग है, नहीं तो हम रोज सड़कों पर आएंगे, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। संयुक्त व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी थे आज यहाँ इकट्ठे हुए थे, इन्होंने हमारे संज्ञान में मामला लाया है कि जो पार्किंग का ठेका, जो पुल के नीचे जो पार्किंग का ठेका है सरकार ने किसी ठेकेदार को दिया है, तो वो जो नियम जो निश्चित रेट है उससे ज़्यादा पैसे ले रहा है। तो इनकी कंप्लेन हमारे पास आ गई है और इसको वेरीफाई करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। कुछ पर्चियां भी हैं जिनमें, हाँ बिल्कुल, कंप्लेंट के साथ कुछ पर्चियां लगा रखी हैं जिसमें इनका व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का आरोप है कि उसने जो रेट लिया है वो निश्चित रेट जो तय हुआ है उससे ज़्यादा लिया है। अगर ऐसा है तो नियमानुसार जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो अमल में लाई जाएगी। 12 जुलाई दिन रविवार को 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक करौंदा सत्याग्रह शहीदी दिवस का प्रेरणादायक आयोजन किया जाएगा। आने वाली 12 जुलाई को आर्य बाल भारती विद्यालय पानीपत, जो आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा संचालित है, यहाँ प्रतिवर्ष इसी दिन 12 जुलाई को करौंदा सत्याग्रह में, जो रामपाल दास वर्षों से वहाँ पाखंड फैला रहा था भूत प्रेत के नाम पर और मंत्र आदि के नाम पर, तो उसके विरुद्ध संघर्ष करते हुए और महर्षि दयानंद पे इतने बड़े संस्कृत के विद्वान पे अनर्गल टिप्पणियाँ करता था, तो वहाँ संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में आर्य समाज ने 4 बलिदान दिए थे। उन बलिदानियों की स्मृति में प्रतिवर्ष यहाँ शहीदी दिवस मनाया जाता है, तो उसी कड़ी में 12 जुलाई को भी हम वो शहीदी दिवस का यहाँ आयोजन कर रहे हैं और आर्य समाज के माध्यम से हमारा पूरे समाज को ये संदेश होगा कि मत पंथ के नाम पर और जाति के नाम पर आज हम बट रहे हैं, हमारी मूल पहचान एक है, हमारी व्रत देश में रहने वाले हैं, सब आर्य हैं, एक ही हमारा उपास्य देव है। जैसे अंग्रेजी में भी एक कहावत है, गॉड इज वन, परमात्मा एक है। आज जाति के नाम पर झगड़े हो रहे हैं और जो पाखंडी गुरु हैं वो भी अपनी तंत्र मंत्र की विद्या द्वारा लोगों को सत्य धर्म से और कर्म से अलग कर रहे हैं और उनका पीछे भी उनका पर्दाफाश हुआ, लेकिन फिर भी वो अपनी लीला करते रहते हैं। तो ऐसे पाखंडी गुरुओं के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही अब की बार जो कार्यक्रम हमारा होगा वो विशेष होगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजाब के जितने हमारे साधु हुए उनके गांव में हम गए और वहाँ भी लोगों को निमंत्रण हमने दिया, जितने भी प्रसिद्ध आर्य समाज के साधु हुए, तो पंजाब से भी लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने आएंगे। साथ ही मुजफ्फरनगर यूपी में सोरम एक गांव है जहाँ सरव खाप का बड़ा उत्तम इतिहास रहा है, वहाँ चौधरी कबूल सिंह हुए, उनके घर के अंदर उनके पोते के पास अब भी ताम्र पत्रों पर लिखा हुआ सरव खाप का इतिहास है। हमारे को वहाँ जानकर प्रसन्नता हुई, स्वयं उन्होंने हमारे को बताया कि 1950 में हमारे यहाँ पंचायत हुई तो 3 दिन तक पंचायत चली, तीनों दिन अलग अलग जाति का अध्यक्ष उस पंचायत का बनाया गया। तो जब धर्म कर्म को जानने वाले व्यक्ति पंचायतों का नेतृत्व करते हैं तो पंचायतें भी, सरोखा पंचायत सही दिशा में कार्य करती है, पाखंड से लोगों को दूर रखने के लिए, जातिवाद से दूर रखने के लिए और जो अधार्मिक लोग हैं उनसे दूर रखने के लिए। तो पंचायतों का भी गौरवशाली इतिहास लोगों के मध्य में रखा जाएगा और जो सरोखाप के मंत्री हैं वहाँ से सोरम से वो भी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। इसी तरह जो आर्य समाज के
पूरे भारतवर्ष के उच्च कोटि के विद्वान है श्री युत राजेंद्र जिज्ञासू जी, पूरे विश्व में उनका कीर्तिमान है पुस्तकें लिखने में, सर्वाधिक पुस्तकें और जीवनियां लिखने में वो मुख्य वक्ता के रूप में होंगे। और आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के कर्मठ प्रधान है जो मास्टर रामपाल आर्य जी और अन्य अधिकारीगण और उपदेशिकाएँ हैं हमारी बहन, और महिलाओं की भी संख्या ज़्यादा इस कार्यक्रम में होगी। कितने लोग पहुंच रहे हैं हमारा? कम से कम अनुमान है, हमने टारगेट रखा 3000 व्यक्तियों का जो, और हम हमारा एक वो रहता है कि बच्चे हैं जैसे हमारे विद्यालय के, हम कभी भी उनसे खाना पूर्ति नहीं करते क्योंकि उनको हम बताते रहते हैं। तो ये जितनी भी संख्या होगी या आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीणों की और प्रबुद्ध लोगों की संख्या होगी, और वो एक संदेश लेके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि आज के जो हालात हैं केवल और केवल आर्य समाज को दिशा दे सकता है। संतुष्टि सेवा हिंदी मासिक पत्रिका समाज के लिए एक आईना है, इसे पढ़िए और औरों को भी पढ़ाइए। वार्षिक सदस्य के लिए संपर्क करें संपादक अतीक आलम, मोबाइल नंबर 7027177786, कार्यालय 94 वीवर्स कॉलोनी पानीपत।